सड़क पर जमे पानी के बीच से कार निकालने की जद्दोजहद का ये दृश्य कहीं और नहीं बल्कि राजधानी रांची के अरगोड़ा इलाके का है, जहां 3 दिनों की बारिश के बाद लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मुस्कुराइए आप रांची में हैं, क्योंकि घरों के भीतर तक पानी घुस चुका है। लोग अपने जान माल की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों का सहारा ले रहे हैं। लोगों का आक्रोश चरम पर है। उनका कहना है कि ये VIP रोड है, जहां से रोज CM और मंत्री गुजरते हैं, लेकिन इस रोड की हालत ऐसी है और लोग इस हालत में रहने को मजबूर हैं। देखिए कैसे लोगों का आशियाना डूब रहा है, खाने पीने को सामान नहीं मिल रहा, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, लोग लाचार हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त है। मगर विडंबना यह है कि प्रशासन की ओर से ना तो कोई राहत मिली है और ना ही कोई झांकने आया है। क्या क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्यों आए हो? क्या हो गया? क्या परेशानी हुई है? अच्छा, तुम्हारा कॉपी किताब क्या हुआ? सब लाए, वहाँ रह गया? नाश्ता किए हो? पहले खाना का व्यवस्था कीजिए, इतना छोटा बच्चा है तो लोग, हम लोग का खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, सब तो पानी में ही चल गया, तो कैसे रहेंगे हम लोग? पहले खाना का व्यवस्था कीजिए। दाल चावल सब डूब गया, तो मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं ला पाए, मेरे रूम में तो सब फंस गया, कुछ भी तो निकाल नहीं पाए, रूम में सारा कुछ डूब गया। पानी जो है कल से भरा हुआ है यहाँ पर, और ये परेशानी आपको काफ़ी हुई कि आपका घर यहाँ पर है, तो आपने मतलब कब आपको ये एहसास हुआ कि पानी भर रहा है? और सुबह में एहसास हो गया, पानी आ गया। अच्छा, तो आपने सुबह सुबह घर का क्या, आपने किसी से बात करने की कोशिश की? क्या क्या परेशानियाँ हमें बताएं? परेशानियाँ तो पूरा सामान उसी में रह गया, हम लोग निकल मतलब आदमी देखते देखते मेरे रूम में भर गया बारिश, इतना तेज बाद पीछे से खिड़की से भी आ गया पानी, तब भर गया बारिश से, और क्या आदमी तबाह हो गया, फिर सोए हुए थे, पूरा आदमी हल्ला करने लगा, तो सोचा आदमी को क्यों हल्ला होने लगा, तो उठ के आए तो देख रहे हैं कि पूरा बारिश सुनो तेज पड़ रहा है, बढ़ रहा है, कुछ नहीं निकला, सब बर्बादे है इसी में। क्या किया? तुरंत उठा तो किया का चीज़, देखा तो उधर बारिश हो रहा था, तो आदमी कैसे भीगते रहता, फिर उसको बाद में अपना शरीर बचाने के लिए ऊपर आया। तो आपके आपके सामान सारे कुछ बर्बाद हो गए? हाँ, उसमें तो बर्बादे, रूम में रह गया तो बर्बादे ना हो गया ना, खाना पीना कहाँ भी गए थे, उधर तो खाना पीना बाहर से होगा। क्या है ना कि मत पूछिए, क्या बात करना है, VIP रोड है, रोज CM और DM इस पास होता है, यहाँ CM कहाँ चल गया? अभी VIP रोड है, हाईवे रोड है, तो हाईवे रोड में अभी CM कहाँ चल गया? रोज हेमंत सोरेन पर होता है, CM पास होता है, बाईपास रोड है, VIP रोड कहलाते हैं, ये लोग VIP रोड कहाँ चल गया? हम लोग ये स्थिति में है, अभी कोरोना नहीं होता है, हम लोग को भी जिंदगी नहीं है, बाल बच्चा ले कोई भटक रहे हैं, पूरा सामान सब छितर बितर हो गया है, खाने तक कभी सामान नहीं निकाल पाए, इतना अचानक पानी भर गया रेल में, पानी भर गया है कि हद से ज्यादा, सुबह से बच्चा सब इसी तरफ भटक रहा है इधर उधर, पानी की वजह से होटल में भी सामान नहीं मिल रहा, काम छूट रहा है, इसी बच्चा के ऑनलाइन पढ़ाई होता है वो भी खत्म हो रहा है, क्या बोले हम, इतना तो बोल चुके हैं, अभी सरकार क्या करता है क्या नहीं करता कुछ पते नहीं है। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या उम्मीद, उम्मीद यही रखते हैं कि हम लोग कोई समाधान करे अब तत्काल में, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पूरा सामान सब छिरियाल है, एक फैमिली नहीं है, 23-25 फैमिली है, सब बर्बाद हो गया है, एकदम हालत हो गया, अच्छा अच्छा फैमिली लोग गुड़गुड़िया ये सब बन गया है। हर बरसात में आप लोगों को यही परेशानी होती है? 3 साल पहले हुआ था तो कुछ राहत मिला, इस बार आओ एकदम परेशान हो गए, इसका क्या करना, सपनों से हो रहा है, 3-4 साल हो रहा है ऐसी, इनों में तो 3 बार घुसे हम, 3 बार घुसा पानी में, पानी के अंदर में सब चीज रह गया, खाना पीना कुछ नहीं ला सके, थोड़ा थोड़ा सामान लेके आ गया। यहाँ कुल कितने परिवार अभी है? 26 लोग यहाँ पर हैं, 26 परिवार हैं, 26 परिवार यहाँ का जो है मोहल्ला का, सब यही चला है,
बच्चे भी हैं, इनकी पढ़ाई रुकी हुई है। अभी कोरोना नहीं पकड़ रहा है, सरकार मास्क लगाने बोले है, सैनिटाइजर करने बोले, अभी अभी तो सब एक साथ में, अभी कोरोना नहीं पकड़ेगा। छोटा छोटा बच्चा लेके आए, कैसे खाएंगे कैसे रहेंगे।